राइडर साहब चले चले चैसिल चैसिल ये हो गई हमारी ऑफ रोडिंग शुरू। अच्छा ये शिल्ला देश का स्कूल। हाँ बेटा लड़ो लड़ो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से जो मैं मोटो ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ, और आज की जो फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग होने जा रही है वो चंचल के ऊपर होने जा रही है। जिन लोगों को चंचल का पता नहीं है वो आज के ब्लॉग में बने रहे हमारे, और पूरा एक्सप्लोर करेंगे हम चंचल को, कहाँ से जाना है, किस तरह का व्यू है, क्या वेदर होने वाला है वहाँ पर टोटल। तो आप वीडियो में बने रहे। तो हम चल पड़े अपने घर से, और अभी मैं अपने घर के खलिहान में हूँ। मेरे घर का लिंक रोड है यहाँ पर, और ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमें आदत हो गई अब तो डेली इसमें ही अप डाउन करने की, क्योंकि बाइक मैं रोड में नहीं छोड़ सकता। तो ये लिंक रोड कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप। देखते हैं यहाँ से चैनशिल कितना किलोमीटर जाता है ना। बाइक मैंने ट्रिप वन सेट कर दी, और ट्रिप टू भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। गो ट्रिप वन, ठीक है। तो लेट्स गो गाइस। तो आज की फर्स्ट मोटो व्लॉगिंग अपने होम टाउन से, और अपने घर के मेन रोड में पहुँचते हुए आई होप हमारी फर्स्ट राइड जो है आज सक्सेस रहे। आज से पहले मैंने इतना लंबा सफ़र किया नहीं है बाइक में, वैसे अभी मेरे को ज़्यादा टाइम भी हुआ नहीं है बाइक चलाते में, ओनली 2 मंथ हुए अभी। और आज से हमारी फर्स्ट मोटो व्लॉगिंग शुरू हो चुकी है। आपको मैं अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप भी दिखाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कि किस तरह से मैंने सेट किया है मोटो ब्लॉगिंग के लिए। भाई ने जो है मोटो ब्लॉगिंग शुरू करनी है, उसके लिए मैं एक सस्ता टिकाऊ मोटो ब्लॉगिंग जुगाड़ दिखा दूंगा, कि किस तरह से आप भी अपने बुलेट या कोई भी आपके पास बाइक है तो उसके साथ आप कैसे सेट कर सकते अपना कैमरा। अगर कैमरा नहीं है आप अपने फ़ोन से भी शूट कर सकते हैं, मैं भी ये वीडियो फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। और आज की इस मोटो व्लॉगिंग में मेरे साथ है मिस्टर विजय झिंटा, मेरे बुआ का बेटा है। तो आज हम जा रहे चंचल। आई थिंक मेरे को अपने टायर की हवा चेक करनी पड़ेगी। टीसी की बस जाते हुए हमारे से आगे। अच्छा सामने से मशीन है, इस वजह से आराम से चल रही है मशीन। ये पास दे दो भैया।
जाओ भैया रुक जाओ। ये बस वाला हमें पास नहीं देने वाला भाई जी, ये देगा तो कहाँ देगा, इससे आगे पास किए। आजकल बस गाड़ी के पीछे चलना तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। बोल रहा है कि जा मेरे भाई जा ऊपर। हो सकता है अभी हमारे छोटे भाई को हमारे से डर लग रहा हो कि भाई कैसा बाइक चला रहा है। अभी इसने भी मुझे देखा नहीं है चलाते हुए क्योंकि जब से लेके आया वहीं भी आज ही आया है, आज ही देख रहा है। कीचड़ 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 ऑफ रोडिंग में इस तरह से तो रोड मिलते ही रह गए आपको, कहीं पे कीचड़ कहीं पे पानी। हम पहुंच चुके हैं 10,000। तो चल पड़े संदासू से। जिसको नहीं पता चायशील रोड, ये संदासू पुल आया पहले, सबसे पहला जो पुल आता है यहाँ पर वो संदासू आता है, और वहाँ से आपने सीधा NH रोड पकड़ना है और उसमें ही जाना है। और ये अपना संदासू हॉस्पिटल, जब भी आए ये चीज़ याद रखना। पवर नदी की खास बात है जो इसमें फिश मिलती है, ट्रॉट फिश, वर्ल्ड फेमस ट्रॉट फिश, तो अपनी ये पवर नदी में मिलती है, बहुत ज़्यादा होती है इसमें। गड्ढे में जाने पड़ते ब्रो यार, दिल पे लगते जो बाइक पे लगती है, बस कुत्ता पीछे ना पड़े, डॉगी भैया रुक जाए। अपना गुम्मा पावर हाउस सामने पार्क हो, जिनको नहीं पता ये गुम्मा पावर हाउस है। और सबको एक डाउट रहता है कि हमने इस पुल पे जाना है या इससे आगे जाना है, तो ये गुम्मा पावर हाउस से आते ही एक पुल दिखता है यहाँ पर, ये गुम्मा पुल है। आपने इसमें नहीं जाना सामने, आपने सीधा निकल जाना है यहाँ से, फिर इससे आगे एक और पुल आएगा, आपने वहाँ से जो है अपनी राइट साइड जाना है। आज अभी तक वेदर तो सही है, वैसे चाइशल जाने का मैन
मोटिव रहता है कि वहाँ की जो लोकेशन है, वहाँ का जो व्यू है, हम वो देख सके, वो कैप्चर कर सके अपने कैमरा में। और अगर मौसम ख़राब होता है तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप लोग जो है ना ही जाए चाहे शिल, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है फिर। ऊपर बारिश और धुंध एकदम से हो जाती है। आज तो वेदर अच्छा है, हमने गूगल भी चेक किया था, वैसे आज ठीक है वेदर। नटार हिल पे जाए तो ये पहुंच चुके हैं हम टिकरी, और आपको यहाँ से सीधा ना जाकर लेफ्ट राइट साइड अपने सामने से एकदम गाड़ी आ जाती है भाई। यहाँ पर इतने तीखे मोड़ है कि आपको पता नहीं लगेगा कब गाड़ी आके चले गई। और ये हमारे राइडर साहब, चले चले चैसिल चैसिल। हमारे साथ बैठने वाली कृपया ध्यान दे, ज्यादा हिले डुले ना। हाँ अच्छा, कोई नहीं यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, हिल डुले थोड़ा दो। तो मैं सी रोड की बात कर रहा था, आपको यहाँ से सामने ना जाकर अपने लेफ्ट साइड से टर्न लेना है। जिस तरह से जो राइड करके मजा आता है जब अपने साथ और भी बहुत से बाइकर हो तो काफी इंजॉयफुल रहता है। खुला है ही नहीं भाई इस रोड में। पास ले तो लेने का, शिट। वही आगे से दी, पीछे से दे पास। ये होगी हमारी ऑफ रोडिंग शुरू। अच्छा, ये शिला देश का स्कूल। हाँ बेटा, लड़ो लड़ो।